क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि कोई चलती ट्रेन रेलवे ट्रैक से गायब हो जाए? जो लोग साइंस पर भरोसा करते हैं वे तो कतई नहीं मानेंगे कि ऐसा हो सकता है। खैर, इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस ट्रेन के बारे में लोग क्या क्या बोलते हैं वह जरूर आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। ये जानकारी बहुत रोचक है। अपनी यात्रा के दौरान अचानक गायब होने वाली रोमन ट्रेन के किस्से आपको इंटरनेट के माध्यम से खूब पढ़ने को मिल जाएंगे। कहते हैं कि सन 1911 में यह ट्रेन अद्भुत ढंग से गायब हो गई थी। ये रहस्यमय ट्रेन 1911 में रोम से गायब हुई थी, जो 1840 में मेक्सिको पहुंची, यानी कि 71 साल पीछे। लेकिन कैसे ये किसी को पता नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये ट्रेन 1911 में रोमन स्टेशन से रवाना हुई थी। बताया जाता है कि इस ट्रेन में लगभग 106 लोग सवार थे। इस यात्रा के दौरान ट्रेन को बीच में 1 किलोमीटर लंबी सुरंग से होकर गुजरना था। इस ट्रेन में बैठे लोग नहीं जानते थे कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही ट्रेन टर्नल के पास पहुंची, वहां पर कुछ अजीब सा वातावरण बन गया और एकदम सब शांत हो गया। यह देखकर दो यात्री ट्रेन से कूद गए। जैसे ही ट्रेन टर्नल के अंदर गई, वह एकदम गायब हो गई, जैसे मानो किसी ने जादू कर दिया हो। इस घटना के बाद इस ट्रेन को किसी ने नहीं देखा। इन दोनों से जब ट्रेन के लापता होने की बात पूछी गई, तो उन्होंने यह वाक्य सबको सुनाया। उनकी बात सुनकर सब दंग रह गए। उनकी बताई गई बात पर किसी को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि जब ट्रेन टर्नल के पास पहुंची, तो अचानक सब शांत हो गया और आगे सफेद धुआं सा आ गया। यह देखकर हमने ट्रेन से छलांग लगा दी। जब घटना की पड़ताल की गई तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन यह भी पता नहीं लगाया जा सका कि आखिर वह ट्रेन कहां गायब हो गई। घबराकर लोगों ने उस टनल को ही बंद करवा दिया। मगर इस रहस्यमय घटना का अंत यही नहीं होने वाला था। वही खोई हुई मिस्ट्री ट्रेन देखे जाने की बात सामने आई। एक मॉनेस्ट्री में काम कर रहे दो भिक्षुओं ने इस घटना के बारे में कहा कि उन्हें एक रहस्यमय ट्रेन नजर आई है, जिसमें से दो डेविल पैसेंजर नीचे उतरे। उन्होंने काले रंग के अजीब कपड़े पहने हुए थे। उन्हें देखकर वहां खड़े भिक्षु बहुत डर गए। उन दोनों डेविल पैसेंजर ने मॉनेस्ट्रीज के अंदर जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे भीतर नहीं घुस पाए। थोड़ी देर बाद ट्रेन अचानक वापस वहां से गायब हो गई। मेक्सिको के एक मनोवैज्ञानिक ने यह दावा किया कि उनके पास ऐसे सबूत मौजूद है जो इस घटना से मेल खाते हैं। उन्होंने उस समय की सभी मेडिकल डिटेल्स और फाइल संभाल कर रखे थे। उनमें से एक फाइल के अनुसार वहाँ के टाउन हॉस्पिटल में एक बार 104 लोगों को पागलपन के कारण हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। चौंकाने वाली बात यह थी कि उन सभी की स्टोरी बिल्कुल एक जैसी थी। वे सभी पेशेंट इटालियन थे। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उस समय के जहाजों के रिकॉर्ड में किसी भी इटालियन यात्री का नाम नहीं था जिसने मेक्सिको की यात्रा की हो। इस पूरी घटना की सबसे विचित्र बात यह थी कि उन सभी लोगों का कहना था कि वे सभी रेलवे के रास्ते यहाँ आए हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि कोई ट्रेन समुद्र पार करके कैसे रोम से मेक्सिको आ सकती है। आज के समय ऐसी किसी भी बात पर यकीन कर पाना मुमकिन नहीं है, लेकिन ये जिन पुख्ता सबूतों की बात मनोवैज्ञानिक ने की, उसका रिकॉर्ड 18वीं शताब्दी में कैसे मिला। ट्रेन तो 1911 में लापता हुई थी, इसलिए आज भी माना जाता है कि वह रहस्यमय ट्रेन अभी भी टाइम ट्रैवल में फंसी हुई है। कई लोगों ने ऐसा दावा किया है कि उन्होंने इस ट्रेन को देखा है। आपको ये घटना कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।